हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नंदी इतने बड़े हैं तो शिवलिंग कितना बड़ा होगा। ये देख रहे हैं आप 316 सेंटीमीटर का शिवलिंग, 300 यानी 23 मीटर और 76 फीट का ये शिवलिंग है। ऐसा ही शिवलिंग आपको, शिवलिंग नहीं ये मूर्ति है शिव जी की, ऐसी ही मूर्ति आपको देखने को मिलेगी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, यह गलतेश्वर महादेव सूरत के पास कामरेज में, या फिर कॉन्टूर में जाएंगे तो वहाँ पे वेलंकिनी पर्वत पे इतना ही बड़ा शिव जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पे उनका सिर्फ चेहरा है। यहाँ आने में इतनी शांति मिलती है क्योंकि आसपास का आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पे पिकनिक के लिए भी आते हैं क्योंकि एक अच्छा गार्डन है यहाँ पे। 2001 में इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी और 2004 में जाके ये मूर्ति बन के तैयार हुई थी और ये गार्डन और ये मंदिर लोगों के लिए खुला था। इसके नीचे एक गुफा है जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप एक साथ में कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा 64 जोगिनी मंदिर। 64 जोगिनी मंदिर जाने से पहले आपको दर्शन करवाऊँगा पंचमठा के। पंचमठा के ये 5 मंदिर हैं जो नर्मदा किनारे पे हैं, पीड़ा घाट पे। जिन लोगों ने नर्मदा परिक्रमा की है या सुना हो उनको आइडिया होगा कि भेड़ाघाट बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे पितृ तर्पण भी किया जाता है और नर्मदा परिक्रमा का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ से ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की जाती है, लोग बच्चों के सामने घूमने फिरने भी आते हैं। तो कभी भी अगर आपका बोटिंग वगैरह का मन हो तो आप जबलपुर स्टेशन से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे भेड़ाघाट धुआंधार जगह है और वहाँ से आप ये पंचमठा के दर्शन करेंगे। नर्मदा जी के किनारे पे है, नर्मदा जी में स्नान करेंगे और नर्मदा जी में स्नान करने के बाद में आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे है 64 जोगिनी का मंदिर। 64 जोगिनी जी के मंदिर में जाने के लिए लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। नर्मदा जी के किनारे पे है और ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर पहुँच के भी नर्मदा जी का बहुत अच्छा दर्शन आपको मिलेगा। ये अभी जो पीछे आपने दर्शन किए थे सिर्फ पूरे भारत में यही जगह है जहाँ पे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी पे सवार हैं, आगे भी आपको उनके दर्शन होंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भी मैं आपको परिक्रमा करवा रहा हूँ 64 जोगिनी मंदिर की। शंकर पार्वती जी नंदी पे सवार हैं और आजू बाजू में ये 64 जोगिनियों के मंदिर हैं। पूरा मंदिर मुगलों ने खंडित कर दिया हुआ है लेकिन भगवान शिव का मंदिर जो मेन मंदिर है वो खंडित नहीं कर पाए। 64 जोगिनी जो हैं उन्हें 64 शक्तियाँ मानी गई हैं पार्वती माता जी की, दुर्गा माता जी की। ये हेरिटेज साइट में भी है खजुराहो की तरह। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भृगु ऋषि का जन्म स्थान भी इसे माना गया है। तो एक ही जगह पे आप नर्मदा जी का स्नान करते हैं, पंचमठा का दर्शन करते हैं, 64 जोगिनी के दर्शन करते हैं और एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे शंकर पार्वती नंदी पे सवार हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगी। इन्हें मोक्ष दायिनी भी कहा गया है। योगिनी का मतलब होता है योग अभ्यास करने वाली। ये काली माता की 64 अवतार हैं। 64 में से तो 10 महाविद्या थी, 10 महाविद्या हैं महाकाली माता, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुरसुंदरी, त्रिपुरभैरवी, छिन्नमस्तिका, दुधावती, कमला, तारा और बगलामुखी जिसे षोडशी भी कहा जाता है। तो ये पार्वती जी की सखियाँ भी कही जाती हैं और ये पार्वती जी की सहायक देवियाँ भी हैं। मुगलों ने अपने साम्राज्य में मूर्तियों को तोड़ा लेकिन शिव पार्वती की मूर्ति को नहीं तोड़ पाए, उसके भी आगे आपको दर्शन करूँगा जो नंदी पे वो बैठे हुए हैं। ये मंदिर भी खजुराहो की तरह एंटिक हेरिटेज में आता है और खजुराहो को भी मुगल शासकों ने तोड़ दिया था, वैसे ही इस मंदिर को भी उन्होंने तोड़ दिया था। ये मंदिर कलाचोड़ी राजाओं ने बनवाया था। भेड़ाघाट धुआंधार टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी जाएगा, एंजॉय करिए। देखिए नंदी पे भगवान बैठे हैं, पूरे भारत में और कहीं पे भी आपको नहीं दिखेंगे। एक और मान्यता है जिसके हिसाब से 64 तपस्विनियाँ थी जो तप कर रही थी, उन्हें महाराक्षसों ने मौत के घाट उतार दिया था और फिर
वहाँ पे दुर्गा जी ने प्रकट हुए और उन महाराक्षसों को मारा। टोटल 564 जोगिनियों जी के मंदिर हैं, इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ खंडित हैं। ये अभी देख रहे हैं, ये है भेड़ाघाट। पांच मंदिरों में से 264 जोगिनियों जी के मंदिर ओडिशा में हैं और 3 मध्य प्रदेश में हैं। जो 3 मध्य प्रदेश में हैं उसमें एक है खजुराहो और दूसरा अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है भेड़ाघाट पे नर्मदा जी के किनारे पे, और तीसरा जो है वो है ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में। ग्वालियर और मोरेना स्टेशन लगभग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसी के बीच में आती है जगह जहाँ पे 64 जोगिनी जी का मंदिर है, और मोरेना के पास जो मंदिर है 64 जोगिनी जी का वहाँ भैया सीढ़ी है तो पास में ही एक शनिदेव का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना जरूर जरूरगा। वहाँ पे शनिदेव के पाँव के निशान है, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से छुड़वाया था तो वो हिल नहीं सकते थे, तो वहाँ से सीधा उन्होंने उठा के उनको पटका था, तो मोरेना के 64 जोगिनी मंदिर के पास में जो शनि मंदिर है वहाँ वो गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और पुण्य का आप भी कमाइए जैसे मैंने आपको कमाया। और से ज़्यादा वीडियो है मेरे YouTube के ऊपर, ऐसे मंदिरों के दर्शन करिए जो शायद आपने सुने भी ना हो। जय महादेव।